हेलो एवरीवन, मैं ज्योति बाला राठौर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ड्रेस मेकिंग फ्रॉम एनएसटीआई इंदौर। आज हम लोग अपैरल मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स का पार्ट फोर यानी कि जी और एच से स्टार्ट होने वाले टर्म्स के बारे में बात करेंगे और उन्हीं को समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जी से। फर्स्ट है ग्रीनिंग। ग्रीनिंग यानी कि जब आप दो कपड़ों को सिलाई लगाते हैं या उन्हें आपस में जोड़ते हैं, तो उनमें कई बार क्या होता है कि आपकी जो सिलाई होती है बीच में से खिंच जाती है, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। इस तरह की से सिलाई में खिंचाव तब आता है जब या तो कपड़ा आपका जो है उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, तब इस तरह से सिलाई खिंचती है, या फिर आपकी जो स्टिचिंग के जो जो स्टिचेस है वो बहुत लूज आ रहे हैं, यानी कि टांके जो होते बहुत लूज आ रहे हैं, या तो आपका ऊपर का या बॉबिन का जो थ्रेड है उन दोनों में से कोई भी एक थ्रेड जो है लूज आ रहा है और प्रॉपर आपके स्टिचेस बन नहीं पाए हैं, तब भी इस तरह से डिफेक्ट आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सीम ग्रीनिंग। सीम ग्रीन कहते हैं जिसमें कपड़े पर लोड पड़ने से या टांकों में बराबर खिंचाव ना होने से ये जो होता है आपके लूजनेस यानी बीच में से इस तरह से स्टिचेस खिंच जाते हैं, इसे आप कहेंगे ग्रीनिंग। नेक्स्ट वन इज ग्रोमेट। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था आईलेट। आईलेट और ग्रोमेट एक ही तरह के काम करते हैं। ये जो मेटल के गोल आकार के एजेस फिनिश करने के लिए, यानी जब हम जैसे कर्टन्स में हम लोग इस तरह से लगाते हैं, या बेल्ट होते हैं लेदर के, आपके पर्स होते हैं, कई गारमेंट्स होते हैं जिनमें आपको कॉर्ड डालनी होती है, डोरी डालनी होती है, तो उसके लिए आप लोग होल करते हैं, वो होल की जगह से जो है वो खुल जाता है, रॉ एजेस होती हैं, और उन्हें खुलने से बचने के लिए, उनको फिनिश करने के लिए जो है इस तरह की ये गोल रिंग लगाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं ग्रूमेट। ठीक है, ये अलग अलग साइजेस में इस तरह से आती हैं, जरूरत के अनुसार इनका उपयोग गारमेंट में किया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, ग्रूमेट। नेक्स्ट वन इज गिंगहम। गिंगहम जो है एक तरह का चेक्स वाला फैब्रिक होता है। ये जो कपड़ा होता है इसकी विशेषता ये होती है कि ये एक तो कॉटन ब्लेंडेड यानी कॉटन के साथ में कोई दूसरा थ्रेड मिलाकर, सिंथेटिक जो है यार्न मिला करके इसकी वीविंग की जाती है, और इसमें हमेशा चेक्स के पैटर्न बनते हैं, इसी को गिंगम कहा जाता है। इसमें ज्यादातर दो कलर के चेक्स होते हैं, इसमें ज्यादा कलर मिक्स नहीं करते, सिर्फ दो, और सबसे ज्यादा कॉमन इसमें रेड एंड व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट होता है। इसके अलावा भी कलर्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें जो मेन होते हैं कलर, वो होते हैं रेड व्हाइट और ब्लू व्हाइट, इसे कहते हैं गिंगम। ये एक प्रकार की चेक्स होती है, दो कलर्स का पैटर्न होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर इसमें कॉम्बिनेशन रेड व्हाइट और ब्लू व्हाइट का है। ठीक है, इसे इसमें बहुत तरह की वैरायटी होती है। देखिए चेक्स में आपको ये चौड़ी, सकड़ी, बारीक, मोटी इस तरह से दिखाई दे रही है, तो इस तरह के पैटर्न को और कॉटन में जो कोई भी यार्न मिक्स करके ब्लेंड करके जो इसका फैब्रिक तैयार किया जाता है, ज्यादातर यूनिफॉर्म की शर्ट्स के लिए, सूटिंग क्लॉथ के लिए इनका यूज किया जाता है। अब है आपका जॉर्जेट। जॉर्जेट को हम अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत नाजुक कपड़ा होता है। जॉर्जेट में जो एक विशेषता होती है इसकी, इसकी जो सरफेस होती है वो थोड़ी दानेदार होती है, और ये कपड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। ये हेवी, लाइट वेट सभी तरह में आता है। अलग अलग तरह के कपड़ों में इसके इफेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर सिल्क में रहेगा तो जॉर्जेट मिक्स रहेगा, और इसी इसके जो वेट और कलर्स होते हैं, विड्थ होती है, अलग अलग होती है, और इसका डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के फाइबर को लेके इसके साथ में काम किया है, उसके अनुसार इनका वेट होता है। ये हल्की जो क्रिप सरफेस होती है, क्रिप यानी जब आप इसको हाथ में लेकर इस तरह से दो उंगलियों के बीच रखकर अगर आप इसे रब करते हैं, तो इसकी जो सरफेस होती है वो इजीली इस तरह से आप पकड़ के और इसे कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा था आपका, जॉर्जेट फैब्रिक। अब है ग्लेज्ड थ्रेड फिनिश। ग्लेज्ड थ्रेड फिनिश जो होती है, आप धागे यूज करते हैं हम लोग सिलाई के लिए, तो जो धागे होते हैं उनमें ग्लेजिंग की होती है, यानी कि जब धागा बन जाता है तो उसके ऊपर स्टार्च की, मान की, जो वैक्स की लेयर जो होती है वो चढ़ा दी जाती है, तो उससे क्या होता है कि धागे में चिकनाई आ जाती है। इसमें जो धागे में कॉटन के थ्रेड में स्पेशली बहुत सारे जो ये कॉटन जो होता है स्पन होता है, इसमें बहुत इसके जो फाइबर्स होते हैं स्टेपल होते हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं, तो उनमें क्या होता है रुएं निकलते हैं बाहर की तरफ, जिससे ये थ्रेड कई बार जो है नीडल में आप देखेंगे कि फंस के और इस तरह से इकट्ठा हो जाता है, और जब इसमें फिनिशिंग नहीं होती वो थ्रेड ज्यादातर आपके नीडल का जो होल होता है वहां पर फंस के और इकट्ठा हो जाता है,
इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आए, स्पेशली बटन होल, जब बटन जब स्विंग की जाती है, बटन सिलने होते हैं तो उन्हें बहुत मजबूत धागे की जरूरत होती है। इस कॉटन के धागे को मजबूती देने के लिए इस पर वैक्स की कोटिंग कर दी जाती है या स्टार्च की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे घिसावट होने से भी इनमें जो है इनकी मजबूती, इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपका ग्लोवर्स नीडल। अब देखिए नीडल जो है अलग अलग तरह की होती हैं। ये है ग्लोवर्स नीडल। इन नीडल्स का जो यूज किया जाता है लेदर, जैसे स्यूड है, लेदर है, इस तरह के कपड़ों को सिलने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये जो निडल होती है, इनका पॉइंट जो रहता है, ये यहाँ पर नीचे जो नोक होती है सुई की, पॉइंट होता है जहाँ से सुई कपड़े में इंसर्ट होती है, वो पॉइंट इसका बहुत शार्प होता है, इस तरह से ट्रायंगुलर होता है और यहाँ से चपटा होता है। ये इसमें इतने इतनी जो एज होती है इसके पॉइंट की, जो ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक इसमें शार्पनेस होती है, मतलब ये बहुत शार्प होती है, जिससे कि इजीली कपड़े को छेदती हुई निकल जाती है। और एक बार जब कपड़े में छेद हो जाता है, होल हो जाता है, उसके बाद में पूरी सुई इसमें से आसानी से निकल जाती है। तो ये जो अलग अलग नंबरों में आती है, 3 से 10 नंबर तक की ये सुइयां होती है, और इनको लेदर के जो होते हैं आर्टिकल्स, उन्हें सिलने के लिए यूज किया जाता है। इनकी विशेषता होती है, इनका जो पॉइंट होता है वो ट्रायंगुलर तिकोना सा होता है और शार्प होता है इतना पॉइंट। नेक्स्ट आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का जो है इसमें आपका ह्यू होता है, ह्यू मतलब जो आपका मेन कलर होता है, उसी कलर के मोनोक्रोमेटिक यानी सेम कलर को लाइट डार्क करना, इसे लाइट या डार्क करते जाते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे कलर आपका बढ़ता है, उसके जो वेरिएशन मिलते हैं आपको शेड्स में, तो इस तरह से जब इनको ये देखिए एक जैसा बिल्कुल चलता है, ये आप देख रहे हैं एकदम आपको नहीं लगता है, ऐसा कंटिन्यूशन में दिखता है कि ये जाते जाते यहाँ कलर चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरह से जब यूज किया था तो इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम लोग, ग्रेडियंट। ये लाइटेस्ट से डार्केस्ट हो सकता है, डार्क से लाइट की तरफ भी जा सकता है, और ज्यादातर इसमें जो होते हैं मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक ही कलर को यूज करके और उसके ग्रेडियंट को बनाया जाता है, यानी उसी को लाइट या डार्क आगे पीछे किया जाता है। फिर आपका गाइडलाइंस ऑन मसलिन। मसलिन के ऊपर जो हम लोग गाइडलाइंस बोलते हैं, इस तरह से आप देखते हैं जब हम ड्रेपिंग करते हैं तो मसलिन का फैब्रिक हमें प्रिपेयर करना होता है। मसलिन को हम लोग आपकी जो साइज होती है बॉडी साइज या जिस भी मेजरमेंट से आप बना रहे हैं उस साइज में आपको फैब्रिक को कट करना होता है, और उसमें सबसे पहले आप फ्रंट में यानी सेंटर फ्रंट से आप इसे 2 इंच का फोल्ड करते हैं, वो फोल्ड करते हैं, ऊपर आप मार्किंग करते हैं जो नेक पर हमें छोड़ना होता है। लेंथ में हम लोग इसे थोड़ा बड़ा रखते हैं और इस पर हम लोग चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और आर्महोल के लिए आर्महोल की जो लेंथ होती है, इस तरह की कुछ लाइंस जो होते हैं मार्क कर लेते हैं पहले से ही। तो ये जो मार्किंग हम करते हैं और उसके बाद हम इसे जो है ड्रेस फॉर्म पर यूज करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, गाइडलाइंस। इसी तरह गाइडलाइंस डमी पर भी पाई, जो ड्रेस फॉर्म होते हैं इन पर भी गाइडलाइंस होती हैं। जैसे कई बार आप देखते हैं ड्रेस फॉर्म पर यहाँ टेप लगी होती है चेस्ट पर, वेस्ट पर, नेक टू जो बस्ट पॉइंट होता है वहां तक, आर्म होल आपकी अक्रॉस चेस्ट अक्रॉस बैक के लिए। तो ये जो होती हैं ये सब गाइडलाइन होती हैं जो डमी जो आपके ड्रेस फॉर्म पर पाई जाती हैं, और वही गाइडलाइन हम फैब्रिक पर यानी मसलिन पर भी यूज करते हैं। जब हम पेपर की भी अगर कटिंग करते हैं तो उस पर सबसे पहले हम लोग गाइडलाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद ही हम उसको पूरा ड्राफ्ट अपना तैयार करते हैं। तो ये आपकी क्या कहलाती है, गाइडलाइन। हाफ सर्कल स्कर्ट। सर्कल स्कर्ट यानी अम्ब्रेला स्कर्ट हम सभी जानते हैं। यहाँ हाफ सर्कल स्कर्ट बताइए यानी हाफ अम्ब्रेला, मतलब आप इसे देखेंगे कि जब हम सर्कल स्कर्ट कटिंग करते हैं तो हम उसे पूरा सर्कल यानी उसमें एक भी जॉइंट नहीं होता है, हम 4 folds करते हैं फैब्रिक को लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी, और फिर उसमें वेस्ट का के अनुसार और लेंथ के अनुसार हम पूरी गोलाई देकर उसकी कटिंग करते हैं। जब इसी को हम आधा कर लेते हैं यानी ये पूरा आपका फुल कंप्लीट, ये जो आपका फुल सर्कल है इसी को जब हम आधा कर देते हैं तो ये हाफ सर्कल या सेमी सर्कल हो जाता है, और इस तरह से इस स्कर्ट में जो है फ्लेयर कम हो जाता है इसका। आप देखेंगे ये फ्लेयर आपको दिखाई दे रहा है, कम हो गया है। इसी तरह से जब हम इसमें हम जो सर्कुलर स्कर्ट बनाते हैं उसमें हम लोग अगर हमारे पास कपड़ा कम है या फ्लेयर के अनुसार अगर हमें लगता है लेकिन लुक चाहिए, उस तरह से जो सर्कुलर स्कर्ट का है फ्लेयर और फोल्ड्स बिल्कुल अलग होते हैं, उस अनुसार हम इसे 3/4 भी ले सकते हैं, हाफ में भी ले सकते हैं, हाफ का और हाफ करके भी ले सकते हैं स्ट्रेट स्कर्ट के रूप में। तो ये आपकी क्या कहलाती है, सर्कल स्कर्ट्स। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ
सर्कुलर ये पूरी है और ये सेमी सर्कुलर या हाफ सर्कुलर है। इसके अलावा भी आप इन्हें इस तरह से इसका फ्लेयर जो है कम कर सकते हैं। अब है आपकी ये सर्कल स्कर्ट का ही मैंने आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखाया है। ये देखिए हम जब फुल सर्कुलर कंप्लीट जो फुल सर्कुलर स्कर्ट कटिंग करते हैं तो इस तरह से हम पूरा उसी गोलाई में कटिंग करते हैं, पूरा इसका जो है फ्लेयर लिया जाता है, इसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता है। और यहाँ से वेस्ट को भी फोर पार्ट्स में डिवाइड करके लेते हैं। जब सेमी सर्कुलर लेते हैं तो उसमें ये जस्ट आपका आधा जो फ्लेयर है वो कम हो जाता है, उसी में आपको कंप्लीट करना होता है और उसी में आपको भी वेस्ट राउंड बढ़ाकर लेना होता है। अब है आपका हाल्टर टॉप। हाल्टर टॉप जो है बोला जाता है, इसे बैकलेस टॉप भी कहते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल जो है हम बोलते हैं हाल्टर टॉप यूज करते हैं, हाल्टर नेक यूज करते हैं। किस तरह के टॉप में आपके आर्मोल नहीं होते हैं, यानी कि स्लीव्स नहीं लगी होती अलग से, ये आपके नेक पर जो है सपोर्ट के लिए इसमें या तो स्ट्रिंग यानी डोरी डाली जाती है और इसे गले पर बांध दिया जाता है, या फिर आप यहाँ पर जो है स्टैंड लगाकर उसे पीछे वेलक्रो से भी अटैच कर सकते हैं, हुक से भी अटैच कर सकते हैं नेक पर, और नीचे इसे जो है वेस्ट पर बांधा जाता है, या कई बार इस तरह से जो इसमें ब्लैकेट बनाकर जिप या बटन्स भी या हुक भी लगाए जा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं हॉल्टर टॉप या हॉल्टर नेक टॉप। अब है आपका हैरम पैंट्स। हैरम पैंट्स जो है ये पैंट्स का यानी लोअर बॉडी में पहना जाने वाला गारमेंट है और ये बहुत स्टाइल्स के होते हैं, उन्हीं में से एक स्टाइल है हैरम पैंट्स भी। ये जो है पैंट, इसकी विशेषता होती है कि ये बॉटम पर आपके जो है इकट्ठा होकर गैदर यानी एक बैंड के साथ में, या तो बॉटम पर इसमें एक बैंड लगाकर और गैदर से इसका बॉटम इकट्ठा गैदर्स लगा दिए जाते हैं, उन्हें फिनिश कर दिया जाता है, या फिर इलास्टिक डालकर भी इसकी बॉटम को आप फिनिश कर सकते हैं और इस तरह से गैदर्स का लुक आ जाता है। ये अलग अलग तरह से होती है। देखिए ये इसकी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका क्रॉच इतना है, इसमें ज्यादा बड़ा है और ये बीच से एकदम लूज होते हुए यहाँ तक आ रही है। तो इसके भी अलग अलग पैटर्न होते हैं। बस इसमें हैरम की एक विशेषता होती है कि ये बॉटम पर क्लोज होती है और यहाँ पर गैदर्स होते हैं, बॉटम तक ये लूज होती है जिसे बॉटम पर गैदर्स डालकर फिनिश किया जाता है। अब है आपका हारमनी। हारमनी का मतलब हम जानते हैं लयबद्धता या लय में काम करना है ना। जब भी कोई हम लोग देखते हैं कि हारमनी, जैसे हम संगीत में समझते हैं हारमनी होती है तो ही अच्छा लगता है, ऐसे ही कपड़ों में भी कलर कॉम्बिनेशन यानी उनमें हारमनी होनी चाहिए, एक लयता एक रूपता होनी चाहिए, उनमें लयबद्ध होना चाहिए। आपके जब कपड़े आप पहनने वाले को देखते हैं तो ऊपर से नीचे तक जो कपड़े हैं एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए, एक दूसरे से मेल खाते हुए होना चाहिए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये कलर व्हील है हमारा, इसमें हमने एनालॉगस कलर स्कीम दिखाई दे रही है आपको, तीनों कलर जो है पास पास में लिए हुए हैं, तीनों कलर एक मेन कलर और उसके आसपास के दो कलर लेकर एनालॉगस स्कीम में बनाते हैं, और इसी एनालॉगस स्कीम को लाइट डार्क करके किस तरह से आप पूरा एक टॉप के ऊपर के लिए एक ब्लेजर है, ट्राउजर है, इसी के लिए फुटवियर, इवन एसेसरीज भी जब किसी फैशन शो होते हैं या कोई भी गारमेंट जब इसके लिए बनाए जाते हैं तो उनमें जो है कोई भी कलर स्कीम को फॉलो करते हुए और सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं आपके कलर्स के प्रिंसिपल, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल्स, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं इन सबको यूज करते हुए इन्हें तैयार किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं हारमनी का एक एग्जाम्पल है ये इस ड्रेस में आपको दिखाई दे रहा है। ये कम्प्लीट जो सेट है आप देखेंगे किस तरह एक दूसरे के साथ में, इस टॉप के साथ में ब्लेजर लिया है, इसी तरह इस ट्राउजर के साथ में ये रिंग है, सैंडल है और वॉलेट है, किस तरह से लेकर किया गया। तो यहाँ पर हमें क्या, हारमनी का मतलब होता है लयबद्धता, यानी कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं कपड़े और उसे उसके साथ जितनी भी एक्सेसरीज है वो सब एक दूसरे से मिलना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। फिर आपका ह्यू। ह्यू का मतलब होता है कलर। ह्यू एक्चुअली एक कलर होता है, मतलब एक जो एग्जैक्ट जो कलर होता है, प्योर कलर होता है जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, जो प्योर कलर होता है उसे हम बोलते हैं ह्यू। और उसी में जब हम व्हाइट को मिला देते हैं तो वो टिंट बन जाता है, उसी ह्यू में हम अगर ब्लैक मिलाते हैं तो शेड बन जाता है, उस ह्यू में अगर हम ग्रे मिला देते हैं यानी ब्लैक और व्हाइट दोनों मिला देते हैं तो वो आपका टोन बन जाता है। तो एग्जैक्ट जो आपके बेस जो कलर होते हैं वो कौन से होते हैं, ब्लू ग्रीन एंड येलो, है ना, ये तो तीन होते हैं। हम जब भी कलर व्हील बनाते तो ये तीन हमारे जो कलर होते हैं ह्यू होते हैं, कौन सा, ब्लू ग्रीन एंड येलो, सॉरी ब्लू रेड और येलो। इसके अलावा जो कलर होते हैं लेकिन पराग की थ्योरी के अनुसार जो ग्रीन कलर है उसे भी उन्होंने प्राइमरी कलर माना यानी ह्यू माना है,
जबकि हम लोग नॉर्मल जो कलर थ्योरी पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि ग्रीन भी जो है येलो और ब्लू को मिलाकर बनाया जाता है और उसे सेकेंडरी मानते हैं। तो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके उन्होंने अपने अपने अनुसार अलग अलग कलर थ्योरीज बनाई है उनके अनुसार है। तो ये जो आपके मेन जो कलर मुख्य रूप से होते हैं जो ओरिजिनल कलर्स होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, यू बोलते हैं। अब आपका हाई हिप, हाई हिप यानी जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो हम अलग अलग मेजरमेंट लेते हैं, यानी कुछ गारमेंट जो होते हैं हम लोग पहनते हैं तो उनकी फिटिंग अलग अलग होती है। जैसे हम फिशकट स्कर्ट बनाते हैं, फिशकट लहंगा बनाते हैं, या कोई ड्रेस में हम इस तरह का लुक देना चाहते हैं तो उसे हमें हिप तक बिल्कुल फिटिंग रखनी है, उसके बाद से उसमें फ्लेयर देना है या हिप पर हमें ईज बढ़ाना है हिप के अनुसार। कई बार कुछ गारमेंट जैसे स्पेशली जो आपके ट्राउजर्स होते हैं डेनिम्स होते हैं ये इनके लिए वेस्ट और हिप का जो मेजरमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनकी फिटिंग होना बहुत जरूरी होती है। तो जो आपकी हाई हिप जो है ये आपकी जो एक बोन होती है आपकी नवल होती है यहाँ पर जो नाभि होती है नाभि से नीचे यानी कि लगभग हॉरिजॉन्टल जो स्टाइल लाइन कहलाती है हमारी इसकी वेस्ट की उसे 4 इंच नीचे अगर हम देखेंगे तो ये जो आपकी होती है यहाँ पर हाई हिप का मेजरमेंट ले आता है। अगर आप अपनी बॉडी में टच करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बोन सी नजर आती है उस बोन के जस्ट ऊपर यानी बोन के ऊपर नहीं बोन जस्ट बोन पर नहीं बोन से नीचे भी नहीं बोन के ऊपर यानी जस्ट उस बोन को कवर करते हुए जो ऊपर रहेगा वो आपका कहलाएगा हाई हिप। अभी है हिप मेजरमेंट। वेस्ट का जो मेजरमेंट होता है नेचुरल वेस्ट हम जो लेते हैं जो हमारी बॉडी होती है उसका सबसे नेरोएस्ट पार्ट सबसे जो पतला भाग होता है उसमें उसे हम लोग वेस्ट मानते हैं। वेस्ट से 7 इंच नीचे जो होता है आपका हिप होता है। हिप कायदे से देखा जाए तो ये मेजरमेंट आपका जो हिप का सबसे हेवीएस्ट पार्ट होता है जहाँ से आपकी हिप की सबसे ज्यादा चौड़ाई होती है उस जगह से हिप का मेजरमेंट लिया जाता है। अब हिप का मेजरमेंट लेने के बाद जब हम पैटर्न बनाते हैं या कपड़े पे कटिंग करते हैं तो उसके लिए हिप का प्रॉपर शेप देने के लिए हिप कर्व का यूज किया जाता है जिससे कि उसकी अच्छी तरह से गोलाई दी जा सके। और ये जो हिप कर्व्स होते हैं हिप के शेप के अनुसार बने होते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हिप कर्व है, ये जो आपका लेग शेपर होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा गोलाई लिए होता है अंदर और बाहर दोनों ओर से। तो इसका जो यूज है हम हिप कर्व के लिए हिप का शेप देने के लिए ट्राउजर्स में करते हैं। देखिए इस तरह से हम इसका यूज करते हुए हिप पर गोलाई देते हैं क्रॉच की साइड में और इसी तरह से हम लोग हैं इनसाइड लेग में। तो इसे हम क्या कहेंगे, हिप कर्व। हांगकांग फिनिश जो होती है एक तरह की सिम फिनिश है। जब हम कोई गारमेंट सिलते हैं उसके जो खुले हुए किनारे रहते हैं एजेस होते हैं उन पर कई बार हम लोग ओवरलॉक नहीं करते हैं या फिर वो इस तरह से होता है कि ज्यादा डर है खुलने का। ओवरलॉक के बाद भी उसमें जो है हम सोचते हैं कि ये कपड़ा खींच के खुल सकता है। तो इस तरह के जो एरिया जो ओपन होते हैं सिलने के बाद में जो किनारे उनको जो है बाउंड कर देते हैं एक फैब्रिक से। देखिए इस तरह से फैब्रिक के स्ट्रिप लेकर उससे हम इसे आर्म होल पर या आप देखेंगे यहाँ आप देख रहे हैं शोल्डर पर भी इस तरह से इसे बाउंड कर दिया है। इस तरह के जो हैवी फैब्रिक्स होते हैं और उनमें आपने अगर लाइनिंग भी नहीं लगाई और उसमें सीम फिनिश करनी है तो आप उसमें जो है सीम फिनिश इस तरह से करते हैं जिससे इसके फ्रेंग ना हो यानी किनारे से सिलाई के बाद जो कपड़ा बचा हुआ उस पर से धागे ना निकले। इसे हम क्या कहते हैं, हांगकांग फिनिश। इसे हांगकांग फिनिश सिलाई के बाद में जो किनारे हैं उन्हें फिनिश किया गया है इसे हम कहेंगे हांगकांग फिनिश। अबे हांगकांग सीम, वहां आपने देखा कि किस तरह शोल्डर पर भी यानी आर्मोल पर भी हम लोगों ने गोलाई में जो है एक जो सिंगल एज थी उसे भी हमने इस तरह से बाइंडिंग करके और पैक किया हुआ है। इसी तरह से जब हम दो कोई सिलाई लगाते हैं दो दो लेयर्स होती है फैब्रिक मिलाकर सिलते हैं। जनरली आप जो जेंट्स के ट्राउजर होते हैं उनमें आप देखेंगे बैक में जो बहुत सारा मार्जिन छोड़ा जाता है सीम अलाउंस छोड़ा जाता है जिससे कि अगर वेस्ट बढ़ जाती है कभी ज्यादा मेजरमेंट होता है तो हम उस सिलाई को खोल कर जो है वेस्ट अपनी उसमें बढ़ा सकते हैं। तो वहां पर जो ये छूटा हुआ रहता है उसमें ओवरलॉक नहीं होता है वहां पर इस तरह से पट्टी लगाकर ये बाइंडिंग करके और इस तरह से उसको दोनों तरफ चपटा फोल्ड करके ऊपर बेल्ट लगा होता है। ये आप ट्राउजर्स में देख सकते हैं स्पेशली टेलर्ड स्टिच जो ट्राउजर्स होते हैं उनमें इस तरह से दिया रहता है। तो इस तरह से जब सीम फिनिश की जाती है तो इसे बोलते हैं हांगकांग सीम। इस सीम को हम क्या कहेंगे, हांगकांग सीम।
अब है गिम। बटन होल तो हम बनाते ही हैं, जब हाथ से बटन होल बनाते हैं और इस तरह से जब ये की पॉइंट वाले बटन होल बनाए जाते हैं तो इन बटन होल में क्या होता है कि इन्हें उभरा हुआ दिखाने के लिए और इनमें गैप, क्योंकि ये बहुत हेवी फैब्रिक्स में बनाए जाते हैं बटन जैकेट्स में, कोट्स में, तो उसमें जब फिनिश किया जाता है तो इनके लिए कॉर्ड का यूज किया जाता है। इस तरह का धागा होता है, ये धागा मोटा होता है, बहुत मजबूत होता है, इसे बटन होल को सपोर्ट देने के लिए। और इससे बटन होल फिनिश करने से क्या होता है, बटन होल का किनारे एकदम एक जैसे बनते हैं, फिनिशिंग ज्यादा आती है और दूसरा ये मजबूत भी बहुत रहता है। तो इसी वजह से इस तरह की जो कॉर्ड यूज की जाती है, इस कॉर्ड को कहा जाता है गिम्प। इस कॉर्ड को हम बोलेंगे गिम्प। ये एक मोटा थ्रेड होता है, फिनिश थ्रेड होता है, काफी स्ट्रेंथ होती है, अच्छा मजबूत होता है। और इसको रखकर बटन होल पर इस तरह से बटन होल को ऐसे आप बनाते हैं, देखिए धागा रखा हुआ है और इस तरह से आप बटन होल फिनिश करते हैं। फिनिश होने के बाद में इसे यहीं पर इस कॉर्ड को जो है अंदर करके कट कर दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इस कॉर्ड को गिम। नेक्स्ट आपका ग्रेन। ग्रेन हम बार बार पढ़ते हैं, ग्रेन लाइंस को हम बार बार पढ़ रहे हैं क्योंकि फैब्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट होती है ग्रेन लाइन। ये जो होती है डायरेक्शन होता है थ्रेड का, जो वुवन फैब्रिक होता है, मैं आपको बार बार बताती हूँ, वुवन फैब्रिक यानी जिसमें वार्प और वेफ लंबाई और चौड़ाई के धागे होते हैं, इसमें जो ग्रेन होती है लंबाई में क्रॉस, लंबाई में जो है आपकी स्ट्रेट ग्रेन होती है, चौड़ाई में क्रॉस ग्रेन होती है और एक बायस ग्रेन होती है। अब आप यहाँ देखेंगे कि जब फैब्रिक को हम क्रॉस ग्रेन यानी जो चौड़ाई में होता है कपड़े के का जो पना होता है, उस साइड से अगर हम किसी चीज पर या हाथ पर रखकर इस तरह से इसे हम ड्रेप करते हैं या हैंग लटकाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें कितना कम फैलता है ये। लेकिन ये सेम फैब्रिक अगर इसको लंबाई में यानी सेल्वेज के साथ जो दोनों साइड सेल्वेज होती है उस तरफ से अगर हम इसको इस तरह से हैंग करते हैं या ड्रेप करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो फॉल एयर फ्लेयर, इसके अलावा अगर हम इसे बायस में यानी उरेब में तिरछे में अगर हम इसे पकड़ेंगे इसको इस तरह से हैंग करेंगे तो एक अलग ही लुक आएगा, जैसे कि सर्कुलर स्कर्ट में आता है। लेकिन यहाँ केवल लंबाई और चौड़ाई में आपको दिखाई दे रहा है कि कितना इनके फॉल में डिफरेंस आता है। तो ग्रेन जो होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। जब भी आप कपड़ा खरीदते हैं तो आपको इसके इस तरह से फॉल ग्रेन चेक करके ही कपड़ा खरीदना चाहिए। तो ये कौन सी ग्रेन होती है, क्रॉसवाइज ग्रेन यानी चौड़ाई में, लेंथवाइज ग्रेन यानी लंबाई में, और वाइज ग्रेन यानी तिरछे में, उरेब में। इसे हम क्या कहेंगे, फैब्रिक की ग्रेन। अब है आपका गॉडेट। गॉडेट जो है एक ट्रायंगुलर पीस होता है एक मटेरियल का, जो कि अपना किसी भी ड्रेस में या स्कर्ट्स में स्पेशली जो है हम इसे इंसर्ट करते हैं फ्लेयर को बढ़ाने के लिए। ये आपका अलग कंट्रास्ट कलर में, अलग कलर में प्लेन के साथ प्रिंटेड भी हो सकता है, सेम फैब्रिक का भी हो सकता है। इस तरह से जब हम स्कर्ट्स बनाते हैं तो इनमें आप देखिए यहाँ तक फिटिंग होने के बाद में जहां से गॉडेट लगाते हैं वहां से इसका फ्लेयर जो है बढ़ता जाता है। ट्रायंगुलर होता है, ऊपर से नैरो, नीचे जाके ये चौड़ा हो जाता है। इसे कई बार हम फ्लेयर बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, कई बार हम ऑर्नामेंटेशन के लिए यानी डेकोरेटिव पर्पस से, जैसे कि हम देखते हैं आपके जो स्कर्ट्स होती हैं स्पोर्ट्स वाली स्कर्ट्स होती है, यूनिफॉर्म की स्कर्ट्स होती हैं जिनमें इन्वर्टेड प्लीट डली होती है, उनमें बीच वाला जो पीस होता है प्लीट्स के उसको दूसरे कलर का लगा दिया जाता है और यहाँ तक प्लीट स्टिच कर दी जाती है। तो जब खुलता है चलने पर ये फैब्रिक प्लीट आपकी ओपन होती है तो वहां से अलग से नजर आती है। तो इस तरह से इसको डेकोरेटिव पर्पस से भी यूज किया जाता है और ऑर्नामेंटेशन के लिए भी यूज किया जाता है। फिर आपका गोर। गोर यानी कलियां, कलीदार स्कर्ट। गोर का मतलब होता है एक स्कर्ट है जो कि जिसे हिप से ही शेप दिया जाता है फ्लेयर के लिए, हिप लेवल के साथ में ही इसका फ्लेयर है बॉटम तक यानी हेम लाइन, यानी बॉटम हेम लाइन तक जो है इसको चौड़ा किया जाता है। इसकी जो कटिंग होती है ऊपर से ही आपकी जो है स्टार्ट होती है और वहीं से जाते जाते नीचे जाते हुए से फैला दिया जाता है ए लाइन शेप में, ए शेप में तिरछी दोनों तरफ से होती हैं। ये जो कलियां होती है इसे कली बोलते हैं। ये 4 पैनल 8 पैनल तो हम इसे पैनल बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन इस तरह से जब हम इसे बोलते हैं स्कर्ट में जब यूज किया था तो इसे हम गोर कहते हैं। 8 गोर 6 गोर 12 गोर इस तरह से बोला जाएगा, यानी कि आपको इतनी ही इसकी जो है गोर की कटिंग करनी है और ये इसे बोलते हैं गोर स्कर्ट। ये क्या कहलाएगा आपका, गोर स्कर्ट। इसमें है इसे फ्लेयर बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, इसे फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है, फ्लेयर भी आपका बढ़ जाता है। गैदर्स। गैदर्स यानी कि घेर, सल, सल जिसे हम बोलते हैं कपड़ा इकट्ठा करना, चुन्नटे बोलते हैं हिंदी में एग्जैक्टली से,
चुन्नटे बोलते हैं गैदर्स को। तो ये जो गैदर्स होते हैं छोटे छोटे स्मॉल टक्स होते हैं जो फैब्रिक को कंट्रोल करने के लिए, यानी जब आपके पास बहुत सारा फैब्रिक होता है और उसको इकट्ठा करना है तो कंट्रोल करने के लिए इस तरह से उसमें जो है ये आपके छोटे छोटे से टक्स डाल दिए जाते हैं, यानी इस तरह से दो सिलाई लगाई जाती है और फिर उस धागे को खींचकर हम इसमें 5 नंबर का टका मशीन से लगाते हैं। अगर हाथ से करते तो एक समान बास्टिंग करते हैं और फिर दो लाइन लगाते हैं, इसमें से एक लाइन का जो होता धागा हम खींचकर इसे कपड़े को इकट्ठा कर देते हैं। और इस तरह से आप फ्लेयर बना सकते हैं, फ्रिल्स बना सकते हैं। इस प्रोसेस से जो कपड़ा इकट्ठा करके कंट्रोल किया जाता है फ्लेयर के लिए, फ्रिल के लिए, उसे हम कहते हैं गैदर्स। ये कपड़ों में फुलनेस के लिए यानी घेरा बढ़ाने के लिए यूज की जाती हैं। ग्रेन लाइन, फिर से ग्रेन लाइन आई है। ग्रेन लाइन जो होती है हर कपड़े में होती है, क्रॉस वाइज और स्ट्रेट ग्रेन होती है। जब भी आप पेपर पैटर्न बनाते हैं या फैब्रिक पे भी कटिंग करते हैं तो आपको इस तरह से एरो से उसमें ग्रेन लाइन शो करनी चाहिए। ये जो ग्रेन लाइन होती है इसे दोनों साइड एरो से बंद होती है, स्ट्रेट लाइन और दोनों साइड ये एरो से बंद होती है, क्लोज होती है एरो से। तो हमेशा जब भी आप पैटर्न बनाते हैं तो उसमें आपके फैब्रिक की प्लेसमेंट के लिए, उसकी डायरेक्शन के लिए उस पर ग्रेन लाइन बनाई जाती है। ग्रेन लाइन जो होती है आपकी हमेशा फैब्रिक की लंबाई को बताती है, यानी कि कपड़े की लंबाई में होती है। लेकिन जब हमें कोई पर्टिकुलर पीसेस की क्रॉस वाइज यानी आड़े कपड़े में कटिंग करनी होती तब हम इसको अपोजिट रखकर कटिंग करते हैं। फिर आपका ग्रेडिंग, ग्रेडिंग यानी ग्रेड करना, घटाना या बढ़ाना। यानी जब हम एक मास्टर पैटर्न तैयार कर लेते हैं, ग्रेडिंग के लिए जो पैटर्न लिया जाता है वो होता है आपका मास्टर पैटर्न। मास्टर पैटर्न यानी जिसमें आप लोग ईज, सीम अलाउंस, टर्निंग, फोल्डिंग सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं। इवन आपकी जो मान लीजिए फेसिंग और ओवरलेपिंग है उन्हें भी इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद पैटर्न की ग्रेडिंग की जाती है क्योंकि हर तरफ से आपको उसे घटाना या बढ़ाना होता है। यानी अगर आपने एक एम साइज का अगर आपने एक पैटर्न रेडी कर लिया है तो उसके उसको आप हर तरफ से जो है ग्रेड करके यानी उससे एल और एस दोनों साइज के आप पैटर्न बना सकते हैं। एल के लिए आप उसे 2 इंच अंदर और एस के लिए एल के लिए आप 2 इंच बाहर और एस के लिए 2 इंच अंदर की तरफ उसकी जो है लाइन मार्क करके और आप उसकी ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग के अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, उन्हें यूज करके पैटर्न की ग्रेडिंग की जाती है। इससे आप एक ही पैटर्न से जो है अलग अलग नाप की कटिंग कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर जब ग्रेडिंग की प्रोसेस की जाती है तो उसमें आप हर एक साइज के लिए एक अलग कलर का जो है लाइन डालकर उनका यूज करते हैं और उसमें शो करते हैं। हर लाइन जो होती है हर एक साइज को अलग अलग बताती है। अब आपका गारमेंट डाइड, गारमेंट डाइट का मतलब होता है जब गारमेंट आपका कंप्लीट सिल जाता है, बन जाता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है, उसके बाद में उसको डाई किया जाता है। ये तो कुछ टॉप्स हैं जो डिजाइन के अकॉर्डिंग डाई की होती है, लेकिन आप इस तरह से डेनिम्स देखते हैं जो ये जीन्स होती हैं आजकल, ये कलरफुल होती हैं। जनरल तो ब्लू कलर की होती है लेकिन कलरफुल होती हैं। इन्हें पूरा बनने के बाद डाई किया जाता है, ये पूरी सिल जाती हैं। उसके बाद इनको अलग अलग प्रोसेस से जिस तरह की भी डाई करनी है इन पर डाई की जाती है। इनकी एक विशेषता होती है जो गारमेंट डाई होती है यानी पूरा गारमेंट सिलने के बाद डाई हुआ है उसकी पहचान होती है कि उसमें जो धागे होते हैं सिले हुए वो भी सब कलर्ड होते हैं, प्लस इनके अंदर जो लाइनिंग होती है यानी इनके जो पॉकेट्स की जो पाउच होते हैं और आपकी जो ये फ्लाई के अंदर की तरफ जो लाइनिंग लगाई जाती है वो भी आपकी पूरी डाई हो जाती है। तो इन्हें आप पहचान सकते हैं कि ये गारमेंट डाई है। गारमेंट डाई के लिए इस प्रकार की मशीन का यूज किया जाता है, इसमें ये पूरी प्रोसेस होती है और गारमेंट की डाई की जाती है। अब आपका ग्रे गुड्स, ग्रे गुड्स का मतलब होता है रफ कपड़ा। रफ कपड़ा यानी जब कपड़े की बुनाई होती है, वीविंग की जाती है, तो ये लूम पर लगा होता है। लूम पर ये कई दिनों तक भी लगा होता है। इस पर जब थ्रेड सेट किए जाते हैं वाफ के, उसके बाद भी इसकी वीविंग होती है और पूरी प्रोसेस के दौरान लूम से इस पर ग्रीस आ जाता है। हाथ बार बार लगने से गंदा होता है, डस्ट लगती है। जब कपड़ा बुनता है तो जो जो आपके फाइबर्स होते हैं, स्टेपल फाइबर्स होते हैं, ये जब प्रोसेस होती है तो कई बारीक बारीक रोएं से उड़कर डस्ट की तरह इस फैब्रिक पर पूरे लग जाते हैं, जो झाड़ने से एकदम से नहीं निकलते हैं। इन पर अलग अलग तरह की जो है फिनिशिंग की प्रोसेस दी जाती है और उससे फिर इस ग्रे गुड को जो है पूरा तैयार किया जाता है। इस पर अलग अलग प्रोसेस होती है, जैसे ब्लीच किया जाता है इनको, इनको मर्सराइज किया जाता है, इनके ऊपर स्टार्च की लेयर चढ़ाई जाती है, फिर
इन्हें वॉश किया जाता है। इस तरह से सारी प्रोसेस होने के बाद में जब कपड़ा पूरा फिनिश होके तैयार होता है, तब ये जो कपड़ा होता है आपका कटिंग के लिए, स्टिचिंग के लिए, गारमेंट बनाने के लिए रेडी होता है। उसके पहले जब लूम से, जैसे ही जो कपड़ा उतरता है लूम से, जब फैब्रिक रेडी होकर हटता है, तो उस फैब्रिक को ग्रे गुड्स कहा जाता है, गसेट। गसेट यानी म्यानी। ये जो होती है म्यानी का यूज हम जनरली, आप देखेंगे बच्चों के पजामों में जो कलीदार कुर्ते होते हैं, लखनवी कुर्ते होते हैं, उनमें, निकर्स में यूज किया जाता है। इसमें एक्चुअली जिस तरह से यहाँ आप देख रहे कलीदार कुर्ते की जो कटिंग होती है, इसमें आर्मोल नहीं होते हैं, ये पैनल अलग से कटिंग किए होते हैं और पैनल के साथ ही जो है स्लीव्स को अटैच किया जाता है। अब इसमें आर्मोल पर इजी मूवमेंट के लिए, और आर्मोल पर क्योंकि आर्मोल पर गोलाई की जरूरत होती है, यहाँ हम आर्मोल की गोलाई में कटिंग नहीं कर रहे, स्ट्रेट है, तो इस तरह से इन्हें बनाने के लिए इस यहाँ पर जो है एक पैनल यानी गजट, एक ट्रायंगुलर पीस जो होता है कटिंग करके लगा दिया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, गजट। इससे ये आर्मोल जो है आपका प्रॉपर शेप मिल जाता है और कंफर्टेबल हो जाता है। ये जो है लूज गारमेंट में ज्यादा यूज की जाती है, जैसे सलवार में आप देखेंगे, सलवार में कई बार घेरा बढ़ाने के लिए जो हेवी लेडीज होती हैं उनके लिए सलवार बनाई जाती है, पजामा बनाया जाता है, या बड़ी साइज का जब हम पजामा बनाते हैं, कई बार उसमें कपड़ा भी हमें जो चौड़ाई में है सीट पर से कम पड़ता है, तब भी हम उसमें जो है इस तरह से गजेट लगाकर उसे फिनिश करते हैं। ज्यादातर गजेट का जो यूज है गारमेंट्स में मजबूती देने के लिए, उन्हें कम्फर्टेबल बनाने के लिए किया जाता है। गारमेंट वॉश्ड, अभी हमने देखा था गारमेंट डाइट देखा था, अब गारमेंट वॉश्ड। कुछ जो गारमेंट होते हैं स्पेशली डेनिम के जो होते हैं, ये जो गारमेंट होते हैं इन्हें बनाने के बाद, कंप्लीट सिलने के बाद में इन्हें वॉश किया जाता है और इन पर श्रिंकिंग, इनमें श्रिंकिंग और सॉफ्टनेस एड की जाती है। यानी ये जो फैब्रिक होता है ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा श्रिंक होता है, इनका जो पैटर्न बनता है कटिंग होकर स्टिच होते हैं, ये साइज से थोड़े बड़े स्टिच होते हैं, पहले फैब्रिक को चेक किया जाता है कि फैब्रिक में कितनी श्रिंकेज का रेशो कितना है, उस अनुसार फिर इनका पैटर्न बनाकर इनकी कटिंग की जाती है, और उसके बाद में इन्हें पूरा सिलने के बाद में इन्हें जो है बटन्स लगाने से पहले, बटन नहीं लगाए जाते हैं, बटन्स और टैग्स जो है बाद में लगाए जाते हैं, स्टिच होने के बाद में इसे पूरा वॉश किया जाता है। वॉश होने के बाद में पहले इन्हें डाई किया जाता है, डाई के बाद में इनको वॉश किया जाता है। वॉश करने से इन्हें जितना श्रिंक होना होता है श्रिंक हो जाते हैं, और इनमें जो है ये बहुत हार्ड होता है कपड़ा, बहुत कड़कीला होता है, इसे सॉफ्टनेस आ जाती है, इसमें सॉफ्टनेस का यूज किया जाता है वॉशिंग के टाइम, और इस तरह से इनमें जो है अलग अलग फिनिश दी जाती है, और ये पूरी तरह से वॉश होकर अपने एक जो रियल कलर है, एग्जैक्ट जो कलर होता है उसमें हमें मिलता है। अब है आपका हुक एंड लूप फास्टिंग। हमने फास्टनर्स पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हुक और लूप आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हुक और लूप तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये इस तरह की टेप, यानी कि हम इसे वेलक्रो बोलते हैं, ये नायलॉन की टेप्स होती हैं, जो कि इनमें भी आप देखेंगे इस तरह की सरफेस होती है जिस पर की लूप या इस तरह से ये वाला जो साइड होता है सॉफ्ट वाला, उसमें लूप बने होते हैं, और इस साइड में जो होते हैं इसके ये टीथ होते हैं जिन्हें हम जनरल ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये आपके हुक्स होते हैं, इन्हें आपस में जब हम प्रेस करते हैं तो ये हुक इस लूप में जाके फंस जाते हैं और ये बंद हो जाता है, और हम इसे जब खींचते हैं, इसे पुल करते हैं, तब ये जो है खुलता है। तो इस तरह की जो टेप्स होती हैं इनमें ये जो फिनिशिंग दी जाती है इन्हें क्लोज करने के लिए, इन्हें भी क्या कहा जाता है, हुक्स और लूप्स, हुक एंड लूप। जनरल जो आप हुक और लूप देखते हैं जो हमारे फास्टनर्स में होते हैं वो इस तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ये टेप की, जिसे हम वेलक्रो कहते हैं, ठीक है, ये नायलॉन की टेप होती है, ये भी आपकी जो है एक तरह का फास्टनर है। ये भी कई गारमेंट्स में, स्पेशली बच्चों के गारमेंट्स में, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं जब उन्हें उनके लिए बनाए जाते हैं गारमेंट्स या ड्रेसेस, तो उनमें जो है इस तरह के फास्टनर्स का यूज किया जाता है, जिससे उन्हें किसी तरह की चुभे ना या लगे ना। फिर आपका हैंगर, हैंगर जो होते हैं कपड़े टांगने के लिए, कपड़ों को हैंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के हैंगर्स होते हैं, जिस हिसाब से कपड़ों को हैंग किया जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ब्लेजर्स कोट्स के लिए अलग हैंगर यूज किए जाएंगे, ट्राउजर्स के लिए अलग इस तरह से हैंगर यूज किए जाते हैं, मल्टी लेयर वाले हैंगर्स भी होते हैं जिनमें एक साथ एक ही हैंगर पर तीन चार गारमेंट हैंग किए जाते हैं। तो ये जो हैंगर्स होते हैं, जब भी गारमेंट्स को डिस्प्ले किया जाता है शोरूम्स में या शॉप्स में,
और बनने के बाद में आजकल जो गारमेंट की पैकिंग भी होती है कंटेनर्स में होती है, पैकिंग जैसे की जाती है फोल्ड करके, आयरन करके उन्हें फोल्ड करके और पूरा बॉक्स में पैकिंग की जाती है पॉलिथीन में, इस तरह से नहीं करके सिर्फ हैंगर पर ही उन्हें कंप्लीट फिनिशिंग आयरनिंग होने के बाद में उन्हें हैंगर पर जो है हैंग कर दिया जाता है और कंटेनर्स में इन्हें डालकर जो है फिर भेजा जाता है। और इसी तरह से गारमेंट की, इसी को गारमेंट की पैकिंग मानी जाती है। गारमेंट की पैकिंग जो है उसमें भी हैंगर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर आपका हैंड फिनिशेस, हैंड फिनिशिंग मतलब होती है हाथ से की जाने वाली फिनिशिंग। आप जब गारमेंट सिलते हैं उसमें कितनी भी अच्छी मशीन हो, कितना ही काम आप मशीन से कर ले, लेकिन कुछ जो फिनिशिंग होती है वो आपको हाथ से ही करनी होती है। जैसे इस तरह से कोई टसल्स लगाने हैं, मोटिव्स लगाने हैं, या आपको सेम फैब्रिक का जो यूज करते हुए बटन्स बनाने हैं या उनसे लेस या फ्लावर बनाने हैं, तो आपको ये काम जो होते हैं सारे हाथ से ही करने पड़ते हैं। इनके लिए आप किसी भी तरह की मशीन या किसी भी तरह के मशीनरी का यूज करके नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जब किसी भी गारमेंट में फिनिशिंग की जाती है, किसी भी डिटेल्स को, गारमेंट डिटेल्स किसे कहते हैं जो गारमेंट में यूज किए जाते हैं, उन्हें सिंपल पैटर्न जो होता है उसको, कॉलर लगानी है आपको, ब्रैकेट्स देनी है, ओपनिंग देनी है, बेल्ट लगाना है, इन सबको क्या कहा जाता है, डिटेल्स, फैब्रिक, ये जो आपकी गारमेंट की डिटेल्स कहलाती हैं। तो ये आप कई बार जो काम होता है आपको हाथ से ही करना होता है, इसे कहते हैं हम हैंड फिनिशिंग। अब आपका हेम, हेम यानी जानते हैं हम लोग तुरपाई होता है। अब जब हम लोग कोई भी गारमेंट बनाते हैं तो उसमें बॉटम को फिनिश करने के लिए स्पेशली जो सॉफ्ट डेलिकेट कपड़े होते हैं उनमें हेमिंग का यूज किया जाता है। ट्राउजर्स की पैंट पर, ट्राउजर की जो बॉटम होती है पैंट्स में, उन पर भी हम हेमिंग का यूज करते हैं। स्लीव्स की बॉटम होती है उनमें भी हम हेमिंग यूज करते हैं। यानी जहां हमें सिलाई नहीं लगानी है और इसकी जो बॉटम को फोल्ड करना है, किनारों को फोल्ड करना है अंदर की तरफ, उसमें हम लोग उल्टी तरफ से जो है हेमिंग करते हैं। हेमिंग में अंदर तो तिरछे तिरछे तरफ से इस तरह से स्लांटिंग वाले जो स्टिचेस नजर आते हैं, लेकिन सीधे साइड पर बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे से स्टिचेस दिखाई देते हैं, उसे हम कहते हैं हेमिंग। अब आपका हैंग अपेरल, यानी टंगे हुए गारमेंट। अभी हमने देखा था हैंगर पे किस तरह से गारमेंट को हैंग किया जाता है और उन्हें भेजा जाता है। एज इट इज जैसे आपको गारमेंट हैंगर पे मिलते हैं कंटेनर पैकिंग होकर के, उन्हीं गारमेंट्स को निकाल कर शोरूम में या शॉप्स में इस तरह से हैंग कर दिया जाता है। और इसी तरह से जब इन्हें हैंगर पर लगाया जाता है सेलिंग के लिए भी, तो इसको हम क्या कहते हैं, हैंग अपेरल। हाई वेस्ट, यानी जो सबसे ऊपर वेस्ट का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हाई वेस्ट। जब भी हम टॉप के लिए, ड्रेसेस के लिए, बॉटम वियर के लिए यानी जीन्स के लिए, डेनिम्स के लिए मेजरमेंट लेते हैं, तो उसमें हम लो वेस्ट मेजरमेंट लेने के लिए जो है आप देखेंगे वेस्ट का मेजरमेंट, मैंने आपको बताया कि टॉर्सो यानी आपकी बॉडी का सबसे जो पतला हिस्सा होता है आपके स्टमक के बाद में, चेस्ट के बाद में और हिप के बीच में जो सबसे कम चौड़ा हिस्सा होता है, नेरोस्ट पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं वेस्ट। यहाँ जो होता है हाई वेस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है, ये जो सबसे नेरोएस्ट पार्ट है इस पर हाई वेस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है। इस तरह के जब ट्राउजर्स या डेनिम्स बनाए जाते हैं या बॉटम वेयर बनाए जाते हैं, तो इनमें वेस्ट से लेके हिप तक जो है आप योक का भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद में आपकी फिटिंग रहती है। तो इस तरह से जो मेजरमेंट लेंगे उसे हम क्या कहेंगे, हाई वेस्ट मेजरमेंट। जनरली ये ट्राउजर्स के लिए यूज किया जाता है। अब आपका हिप पॉकेट, जो होते हैं जेंट्स की पैंट्स में, ट्राउजर्स में, बैक साइड में इस तरह से बने होते हैं। ये जो पॉकेट्स होते हैं ये इनमें फ्लैप भी होता है, कई बार इस तरह से लूप का भी यूज किया जाता है, और ये सिंगल बोन और डबल बोन दोनों तरह के बनाए जाते हैं। यानी कि जो आपने इसको फिनिश करने के लिए स्ट्रिप्स का यूज किया है, ये सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है। सिंगल में इसकी चौड़ाई जो होती है 1 सेंटीमीटर होती है और डबल में ये आधी आधी ली जाती है। और इन पॉकेट को जो हिप पॉकेट के अलावा बोन पॉकेट भी बोला जाता है और बैक पॉकेट भी बोला जाता है। सिंगल बोन, डबल बोन दोनों तरह के होते हैं। अब आपका हुप, यानी आप देखेंगे इस तरह की जो ड्रेसेस होती हैं, जो बहुत अभी भी जो वेडिंग गाउन्स होते हैं, कुछ स्कर्ट्स होते हैं और फैशन शोज के लिए जो ड्रेसेस बनाई जाती हैं उनमें इस तरह से फ्लेयर हमें दिखाई देता है एकदम उभरा हुआ। इसके लिए इस फ्लेयर के अंदर जो है इस तरह का हुप पहना जाता है। इस हुप को बेल्ट के साथ पे फिनिश करके वेस्ट पर अटैच कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है और उसके ऊपर फिर इस ड्रेस को पूरा पहना जाता है। और ये सूट को कवर करने के लिए फैब्रिक से एक पूरा कायदे से देखा जाता है, पेटीकोट की तरह से तैयार किया जाता है, जिसे अंदर पहना जाता है, ये आपकी ड्रेसेस के अंदर पहना जाता है। होप स्कर्ट जो होते हैं
ये स्टिफ मटेरियल से बने होते हैं, इसमें रस्सी का, वेलबोन का, स्टील का, मतलब सॉफ्ट वाले जो वायर होते हैं स्टील का, और नायलॉन का यूज किया था। लाइट वेट जब हुप्स तैयार करने होते हैं स्कर्ट्स के लिए, तो उसके लिए नायलॉन की हुप का यूज किया जाता है। ये जो होते हैं ज्यादातर, मैंने आपको बताया कि ये फुल स्कर्ट जो वेडिंग गाउन में यूज किए जाते हैं, ज्यादातर उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं। अब आपका हॉर्स हेयर, हॉर्स हेयर यानी घोड़े के बाल। घोड़े के बाल से जो हॉर्स के जो हेयर होते हैं, इसमें इनके टेल यानी पूंछ के अलावा जो इनके ये देख रहे हैं आप सर के ऊपर, इस तरह से नेक पर जो हेयर्स होते हैं, ये बहुत शाइनिंग होती है, इनमें बहुत चमकीले होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, बहुत मजबूत और चमकीले होते हैं ये हेयर्स। इनका जो यूज होता है अपहोल्स्ट्री में, इंटीरियर्स में जो है इस तरह से टसल्स बनाने के लिए, कुछ इस तरह के जैकेट ड्रेसेस बनाने में भी जो है इनके हेयर से बनी हुई लेसेस का यूज किया जाता है। कुछ जो फैब्रिक होते हैं उनकी बुनाई के फेल्टेड फैब्रिक होते हैं, या कुछ जो फैब्रिक बुने जाते हैं तो उनमें वार्प का जो थ्रेड होता है वो तो आपका कोई भी थ्रेड सिल्क कॉटन हो सकता है, लेकिन वेफ्ट का जो थ्रेड होता है वो जो आपका हॉर्स की हेयर जो होते हैं, टेल के जो हेयर्स होते हैं या नेक के हेयर्स होते हैं, उनको साथ में लेकर के इस तरह के कपड़े भी बनाए जाते हैं। इनकी सबसे अच्छी विशेषता होती है कि ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, और बहुत ज्यादा इनकी स्ट्रेंथ होती है, और शाइनिंग भी इनमें बहुत होती है। हॉर्न टोन बटन्स, हॉर्न टोन बटन्स यानी कि जो सींग होते हैं जानवरों के, उनसे जो बटन बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हॉर्न टोन बटन। इसमें जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, आप देखेंगे कि बफेलो जो होती हैं उनके सींग से ज्यादातर बटन बनाए जाते हैं। डियर के जो सींग होते हैं उनसे भी कुछ जो है बटन्स बनाए जाते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन जनरली जो होते हैं ये फॉक्स हॉर्न होते हैं, मतलब एक तरह का फॉक्स होती है, उसके जो हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं, उनसे ज्यादातर बटन बनाए जाते हैं, और उन्हें बहुत सारी वैरायटी में। इन बटन की एक विशेषता होती है कि ये अगर बटन का पूरा सेट लेते तो सारे बटन एक जैसे नहीं होते उनमें, क्योंकि जो सींग से बनाए जाते हैं ये, जैसा उसका सींग होगा उसी की कटिंग करके उन्हें फिनिशिंग दी जाती है, और इस तरह से बटन तैयार किए जाते हैं। तो ये जो बटन ज्यादातर इस तरह से ब्राउन, डल, ब्लैक और इस तरह के कलर्स में ज्यादा होते हैं, तो ये इनकी पहचान होती है, और ये इस तरह के बटन होते हैं। अब है हैंकी स्लीव। हैंकी स्लीव यानी चौकोर स्लीव होती है, हैंकरचीफ यानी रुमाल की तरह कटिंग इसकी होती है, और ये स्लीव जो है कई बार आर्मोल से ही अटैच की जाती है, और कभी कभी आपकी जो स्लीव लेंथ होती है, स्लीव की बॉटम पर आप इसे गोलाई में बॉटम पर इसे अटैच करते हैं, तो बॉटम जो है हैंकी की तरह जो है स्क्वायर दिखाई देने लगती है, और इसका बहुत अच्छा लुक आता है। ये जो स्लीव्स होती हैं इनको डेकोरेटिव पर्पस से भी यूज किया जाता है, कंफर्टेबल भी होती हैं और लूज भी होती हैं, तो ये आपकी क्या कहलाती है, हैंकी स्लीव। इनकी बॉटम हैंकरचीफ की तरह यानी स्क्वायर पीस में होती हैं, ऊपर से इन्हें आप आर्मोल के शेप में या बॉटम पर लगा रहे हैं तो राउंड में कटिंग की जा सकती है। अब आपकी हनीकॉम स्टिच, हनीकॉम स्टिच जो होती है स्मोकिंग की जाती है गारमेंट्स में, यानी कि कपड़े को इकट्ठा करके या कपड़े में जो आपके ब्लाइंड टक्स होते हैं उन्हें डालकर फिर दो दो टक्स को आपस में बांध दिया जाता है, या फिर ग्राफ पेपर से आप इसमें 1 बाय 1 सेंटीमीटर की मार्किंग करते हैं, और फिर दो जो है दो लेयर्स को मिलाकर उसमें जो है आप शियर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उनमें दो दो लेयर्स को मिलाकर इस तरह से नॉट लगा दी जाती है, और जब उन्हें स्ट्रेच किया जाता है तो इस तरह से आपको ये फैब्रिक खुला हुआ दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं स्मोकिंग। इससे आप जो नेक पर यूज कर सकते हैं, वेस्ट पर यूज कर सकते हैं, इसमें जहां भी आपको घेरा, कम घेर की जरूरत होती है, ज्यादा घेरा नहीं चाहिए वो, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। ये काम एमपी में महू में जो है स्मोकिंग का काम किया जाता है। स्मोकिंग के लिए पहले हनीकॉम तैयार करना होता है, हनीकॉम को ही फिर अलग अलग डेकोरेटिव स्टिचेस से तैयार किया जाता है, तब उसे स्मोकिंग कहा जाता है। लेकिन जब बेसिकली दो प्लीट्स को मिलाकर इस तरह से बांध दिया जाता है, सॉरी दो टक्स को मिलाकर जब बांध देते हैं तो उसे हम हनीकॉम कहते हैं। इसमें आपका फैब्रिक जो है शियर हो जाता है, और आप इसे जहाँ जरूरत है वहां पर इसे लूज छोड़ सकते हैं, जिससे आपका ये फैल जाता है, यानी घेर बढ़ाने का काम करता है, और इससे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं। ज्यादातर इसके लिए सॉफ्ट कॉटन का यूज किया जाता है, और उन्हीं में ज्यादातर इनका यूज किया जाता है। इसके लिए आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का यूज कर सकते हैं। अब हमारे जो है ये टर्म्स अब फिनिश होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से नए टर्म्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।